सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। और आज की हमारी इस वीडियो का उन्वान है ईद उल अज़हा और क़ुरबानी। क़ुरबानी करते वक्त हमसे क्या क्या गलतियां सरज़द होती हैं, अपनी गलतियों को दुरुस्त करें और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल करें। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा की आमद है और जैसा कि आपके इल्म में है कि हम मुसलमान इस दिन क़ुरबानी का फरीज़ा ज़ौक़ व शौक़ से सर अंजाम देते हैं, ख़ासकर वो लोग जो साहिब हैसियत हैं। मेरी आज की ये वीडियो इसी फरीज़े से मुतालिक है। क़ुरबानी के इस फरीज़े में हम अक्सर मुसलमान भाइयों से कई गलतियां सरज़द हो जाती हैं, जिससे ये कि हमें ना सिर्फ क़ुरबानी का पूरा सवाब नहीं मिलता बल्कि हम कुछ काम ऐसे कर जाते हैं जो ना सिर्फ दूसरों की तकलीफ़ का बाइस बनते हैं बल्कि इससे क़ुरबानी के पूरे सवाब से भी महरूम हो जाते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद आपकी तवज्जो इसी तरफ मबजूल कराना था। माजरत, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी की भी दिल आज़ारी नहीं है बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि आपका ये फ़र्ज़ अल्लाह की बारगाह में मंजूर मकबूल हो। उम्मीद है कि मेरी ये काविश आपको पसंद आएगी। इस बारे में अपने इन दोस्तों को भी बताएं जो क़ुरबानी का फ़र्ज़ अदा करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फ़र्ज़ को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक अदा करें और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दुआओं का तलबगार आपका दोस्त हाफिज़ मोहम्मद ज़िशान। क़ुरबानी और ग़लतियाँ। नंबर एक, कोशिश ये करें कि जो क़ुरबानी के जानवर आप ख़रीदें वो खुर्राट ना हो, वरना आस पड़ोस वालों को आपके इस जानवर से तकलीफ़ होगी। नंबर दो, क़ुरबानी के जानवर को गाड़ी से मोहब्बत से उतारें ताकि उसे चोट ना लगे और इससे मोहब्बत से पेश आए। नंबर तीन, जितना मुमकिन हो सके उसे बाड़े में बांधें ताकि गलियों में चलने वालों ख़ासकर ख़वातीन को तकलीफ़ ना हो। मैंने अक्सर देखा है कि ख़वातीन को इन दिनों परेशान रहती हैं। याद रहे, हम क़ुरबानी सवाब के लिए करते हैं, ना कि किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं। नंबर चार, क़ुरबानी के जानवर को रास्ते में चलाने के दौरान डंडों से मारना, उसकी पूंछ खींचना, उसकी पूंछ मोड़ना, उसको मारना, ऐसा बिल्कुल ना करें। आपने क़ुरबानी के जानवर के साथ मोहब्बत से पेश आना है। नंबर पाँच, याद रहे, अगर आप क़ुरबानी करते हैं तो आपका ये भी फ़र्ज़ बनता है कि उसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखें। गोबर वग़ैरह आपने उठवाना है और इसके अलावा जो भी गंदगी हो उसे साफ़ करें या करवाएं। नंबर छः, गोबर और गंदगी को गलियों में ना जलाएं। ऐसा ना हो कि इससे आपके पड़ोसी परेशानी में मुब्तला हो जाएं और आप एक फ़र्ज़ अदा करते करते बहतों का दिल दुखा दें। नंबर सात, क़ुरबानी के इन दिनों में एक बात ये भी देखी गई है कि क़ुरबानी जानवर अगर 50,000 का लाते हैं तो अपनी शेखी बगाड़ने के लिए इसकी कीमत ज़्यादा बताते हैं, ये जतलाने के लिए कि हैसियत और रुतबे में आप किसी से कम नहीं हो। ये बहुत बुरी बात है। नंबर आठ, क़ुरबानी के मुबारक दिनों में जानवरों की नमूद नुमाइश दिखावा ये मौजिब गुनाह है। नंबर नौ, कुछ लोग जानवर को लेकर अकड़ कर निकलते हैं, ये सब गुनाहों के ज़ुमरे में आता है। नंबर दस, क़ुरबानी के जानवर का रुख क़िबले की सिमत रखें। नंबर ग्यारह, क़ुरबानी के जानवर के गोश्त के तीन हिस्से करें। नंबर बारह, पहला हिस्सा रिश्तेदारों में ख़ासकर जो करीब के रिश्तेदार हैं और जो हकदार हैं और क़ुरबानी नहीं करते उनमें तकसीम करें। नंबर तेरह, दूसरा हिस्सा पड़ोसियों में तकसीम करें, ख़ासकर जो करीब के पड़ोसी हैं और जो हकदार हैं और क़ुरबानी नहीं करते उनमें तकसीम करें। नंबर चौदह, तीसरा हिस्सा गरीबों में तकसीम करें जो उनके नज़दीक हकदार हों। नंबर पंद्रह, अगर कोई गरीब आपके पास गोश्त मांगने के लिए आए तो उसे धुतकारे नहीं और उसे खाली हाथ ना भेजें।
نمبر 16، آپ کے پاس غریب شخص گوشت لینے آئے تو اسے اچھا گوشت دیں، ایسا گوشت دیں جو آپ کھاتے ہوں، ہڈیاں اور آپ کا ناپسندیدہ گوشت اس غریب کو نہ دیں، واضح رہے آخرت میں وہی ملے گا جو آپ یہاں بوئیں گے۔ نمبر 17، اسی طرح اپنے رشتہ داروں میں بھی اچھا گوشت بھیجیں، ایسا نہ ہو کہ جو رشتہ دار آپ کو زیادہ پسند اور مقرب ہوں اس کو زیادہ اور اچھا گوشت بھیجیں، یاد رہے اللہ سب دیکھ رہا ہے، ذرا سی غلطی آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ نمبر 18، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ گوشت کی تقسیم دوستوں میں زیادہ کی جاتی ہے، اس تقسیم کی وجہ یہ دیکھی گئی ہے کہ یہ جو میرا دوست ہے یہ زیادہ کام آتا ہے تو اس کو زیادہ دینا چاہیے، آپ گوشت دیتے وقت حق دار کا دیکھیں کہ حق دار کتنا ہے۔ نمبر 19، یاد رہے قربانی دل سے کی جاتی ہے، لیکن قربانی کا گوشت بانٹتے وقت فیصلے دل سے نہیں کیے جاتے، بلکہ یہ فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ اور آخر میں، میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ موضوع کے لحاظ میری ہر ویڈیو ایک مکمل اور شاہکار ویڈیو ہو۔ میری اس ویڈیو پر بھی مجھے امید ہے کہ آپ میری حوصلہ افزائی کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگنے پر برائے مہربانی سبسکرائب کر دیا کریں، سبسکرائب کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ یہ ویڈیو جلد دوسرے لوگوں تک پہنچتی ہے اور مریض کو شفا ملتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔تو دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں، اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔